तो नए राष्ट्रपति के लिए आज होनी है मतगणना। आज का दिन है बेहद अहम और सुबह 11 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आज दोपहर तक नतीजों का ऐलान हो सकता है। एक तरफ हैं एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, दूसरी तरफ हैं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। इन्हीं दो चेहरों के बीच है सीधा मुकाबला। सुबह 11 बजे का वक्त जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज दोपहर तक नतीजों का ऐलान हो सकता है। आज पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। हालांकि वोटों के गणित के लिहाज से अगर देखें तो द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो यशवंत सिन्हा के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी है और इसलिए उनकी जीत को लगभग तय माना जा रहा है। रायरंगपुर में तो उनकी जीत के पोस्टर लगने अब से शुरू भी हो चुके हैं। इसे एक औपचारिकता भर माना जा रहा है क्योंकि वोटों का अगर गणित देखें तो 61% के करीब जो कुल वोट हैं उनमें से 61% के करीब जो वोट हैं वो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पहले से तय माने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने अपने दलों के साथ साथ जो गैर एनडीए दल हैं उनका समर्थन भी जुटा लिया था। और फिर राष्ट्रपति चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग की खबरें भी आई, यानी कि द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा पहले से साफ तौर पर भारी नजर आ रहा है। इसे पहले से ही औपचारिकता माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने यह तय किया कि वॉक ओवर नहीं देना है, आसानी से जीत नहीं देनी है। और विपक्ष ने तय किया कि यशवंत सिन्हा को टक्कर देने के लिए उतारा जरूर जाएगा और यशवंत सिन्हा ने अपनी तरफ से प्रचार के लिए अपील में कोई कोर कसर छोड़ी भी नहीं। बार बार सांसदों और विधायकों से अपील की कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। यशवंत सिन्हा ये जानते थे कि वोटों का गणित, वोटों का जो समीकरण है वो उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन अब बारी है नतीजों की। देश के सर्वोच्च पद की रेस का आज फाइनल डे है। आज वोटों की गिनती के साथ ही पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर कौन बैठेगा। संसद भवन में सुबह 11 बजे राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना शुरू होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्ट्रोलर कॉलेज है उसके सदस्य के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, तो जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वह राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच एक अलग जंग भी जारी है। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। विपक्ष में भी बैठी कई पार्टियों ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन दे दिया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है और यदि वह चुनाव जीतती है तो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी बन जाएंगी। वहीं यशवंत सिन्हा भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटे रहे। देश भर में घूम घूम कर अपना चुनाव प्रचार किया और विधायकों और सांसदों से अपील की इस विचारधारा की लड़ाई में उन्हें वोट दें। हालांकि वोटों का वेटेज बता रहा है कि एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की शानदार जीत होने वाली है और शायद वो पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दें। और उनके जीत की खुशी तो अभी से ही उनके गृह जिले मयूरभंज में भी दिखने लगी है। यहाँ के रायरंगपुर में सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नतीजे से पहले ही उन्हें राष्ट्रपति मान लिया गया है। आपको दिखाते हैं उनके गांव की, उनके सड़कों की। मयूरभंज का ये इलाका है और रायरंगपुर में आप देखिए जगह जगह पर अभी से बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ठीक पीछे हमारे देखिए अभी भी कुछ युवक आपको नजर आ जाएंगे जो सड़कों के बीचों बीच यहाँ पर बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और तैयारियां हो गई हैं, जश्न मनाने की तैयारी यहाँ चल रही है। लड्डू बन गए हैं, उनके स्कूल से लेकर, घर से लेकर, ससुराल से लेकर मायके तक जगह जगह पर तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो नतीजे हैं वो आए। जिस शख्स को पीएमओ से सबसे पहले कॉल आया और जानकारी मिली कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के तौर पर चुनी गई हैं, उन विकास महतो से भी जी न्यूज ने इस दौरान बात की। जितना तो तय है खाली औपचारिकता बाकी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी कर लिए हैं। जितना ये होर्डिंग सब लगा हुआ है और पूरा टाउन में लगाएंगे और हमारे कार्यकर्ता के तरफ से वहाँ लड्डू भी बन रहा है
और आतशबाजी भी होगा, लड्डू बटेगा। राष्ट्रपति चुनाव भले ही देश के सर्वोच्च पद के लिए हो रहे हों, लेकिन असल में ये लड़ाई तो एनडीए बनाम यूपीए है, और इस चुनावी नतीजे के जरिए दोनों पक्ष अपनी ताकत एक दूसरे को दिखाएंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।